खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 10 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 12वीं पास स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए 19 जून तक अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 28 जून को सिलेक्ट हुए स्टूडेंट की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसे में राजस्थान सरकार ने इस बार प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में बड़े फेरबदल करते हुए छात्रों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। जल संसाधन विभाग की ताजा रिपोर्ट के ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान के 688 बांधों में से 487 बांध सूख गए हैं। सिर्फ 4 बांध भरे हुए हैं। वही जून में जल संकट की स्थिति से अभी और जूझना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। अब राजस्थान में किसान सम्मान निधि के तौर पर 8000 रुपए सालाना दिया जाएगा। झलावाड़ के नई जेल रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाशिंदों ने आज इलाके में चल रहे सीवरेज लाइन के काम को रुकवा दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों का कहना था कि सीवरेज लाइन डालने के लिए पहले से ही पुरानी और डैमेज सड़कों को भी तोड़ दिया गया। ऐसे में यहां के बाशिंदों को आने वाले बरसात के मौसम में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं डैमेज सड़कों की भी मरम्मत कराने के लिए निर्माण एजेंसी भी तैयार नहीं है। ऐसे में लोगों ने अपनी परेशानी को देखते हुए जिम्मेदार विभागों से डैमेज सड़कों के निर्माण की गारंटी लेने की मांग की है। सीवरेज निर्माण कंपनी द्वारा हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय पर सड़क तोड़े जाने से नागरिक परेशान हैं और बीती रात जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी के नागरिकों ने हंगामा किया है। इसके बाद नगर परिषद सभापति सुमित रिंगवा मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीवरेज निर्माण कंपनी का भुगतान रोककर रिकवरी की चेतावनी दी। सुनिए सुमित रिंगवा ने क्या कुछ कहा। कि जितनी पेमेंट है वो रोक ली जाएगी, वो नहीं की जाएगी। और जो जिस प्रकार ये बना रहे हैं सीसी रोड की, जो इनको ये नहीं पता पैमाना क्या होता है सीसी रोड पे, ये उसको माल भर के उस पर जिस प्रकार वो गुरमाला मार के इसको चिकनी कर रहे हैं, कल से उस पर लोग गिरेंगे। जबकि सीसी रोड बनने के बाद उस पर झाड़ू लगना चाहिए ताकि धारियां रहें, कोई गिरे ना। रफ स्पेस जो है वो रफ रहना चाहिए, जबकि इसे उसको चिकना कर रहे हैं। राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी को जीत हासिल होने के बाद एक बार फिर से भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ती जा रही है। चुनाव जीतने के बाद नव निर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने इसे मुख्य मांग बताते हुए देश की संसद में उठाने की बात कही है। जालौर में कांग्रेस की हार पर बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा, कई लोग हैं जो नहीं जीत पाए। वे अब पिछली बार भी जीत नहीं पाए थे, इस बार भी नहीं जीत पाए। अब आगे और मेहनत की जाएगी ताकि जिन सीटों पर हमारे हैं वो भी हम जीत सके। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके लिए उन्हें बधाई। लेकिन हमारे लिए अभी चिंता का विषय है कि देश भर में नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, लगातार इस देश में नौजवानों के भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि पीएम इस चीज पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है उस पर कोई ठोस कानून बनाएंगे। बड़े पैमाने पर देश में जो बेरोजगारी है उस पर कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा, पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो कम से कम 1000 क्यूसेक पानी तो पहुंचेगा। पिछले कुछ दिनों से पानी की मात्रा कम हो रही है। 1 जून को 924 क्यूसेक पानी पहुंचा तो 2 जून को मात्र 848 क्यूसेक पानी पहुंचा। इस कनाल से दिल्ली के 7 प्लांट में पानी जाता है। अगर वहां पानी नहीं आएगा तो पूरे दिल्ली में त्राही मच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की दिक्कत सुलझाने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश और पानी देने को तैयार है, दूसरी ओर हरियाणा दिल्ली को हक का पानी रोक रही है और छोड़ नहीं रही है। आम चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होना है। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी और हिंद महानगर क्षेत्र के देशों के नेताओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नौता भेजा गया है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।